छत पक्षियां रंगादी। दोस्तों आजकल एक मूवी के काफी ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। मूवी का नाम है अमर सिंह चमकीला। अगर आपको ये मूवी पता नहीं है तो आपने इसका ये गाना तो जरूर सुना होगा। कुछ याद आया, ये एक बायोपिक है, अमर सिंह चमकीला की एक बायोपिक जिसमें दिलजीत दोसांझ ने इतना बढ़िया काम करा है कि उन्हें कोई कह नहीं सकता है कि वो एक सिंगर है। बतौर तौर पे एक एक्टर की तरह उन्होंने काम किया है और बहुत अच्छी तरह से काम किया है। इम्तियाज अली की खासकर तारीफ करने की बात होती है कि उन्होंने अपने डायरेक्शन को इस लेवल पे लेके गए हैं कि कौन सी चीज रियल है कौन सी फेक है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल, मगर उसके लिए हम है ना। ये वीडियो होने वाली है ऐसे 10 बातें, हो सकता है कुछ फेक हो कुछ फिक्शन हो, तो उन चीजों को डिटरमाइन करेंगे, जानेंगे कि कौन सी चीज हूबहू रियल लाइफ से निकाल के रियल लाइफ में डाल दी थी और कौन सी चीज पे इम्तियाज अली ने अपना थोड़ा दिमाग लगाया था, थोड़ी स्टोरी टेलिंग करने की कोशिश की थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फेमस बॉलीवुड, मैं राहुल लेके आ गया हूँ ये वीडियो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सॉक्स। आपको पता होगा जब आपने मूवी देखी होगी कि अमर सिंह चमकीला जब एक बड़े स्टार नहीं बने थे तब वो पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उनके लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी था, वो एक सॉक्स की फैक्ट्री में काम करते थे, मतलब बेसिकली सॉक्स बनाते थे। तो इस फैक्ट को चेक करते हैं तो भाई ये पूरी की पूरी बात फैक्चुअल है। रियल में जो अमर सिंह चमकीला थे वो यही काम करते थे, सॉक्स बनाते थे। उसके बाद जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने वहां पे काम किया, तो ये फैक्ट तो हो गया डन। दूसरा फैक्ट है या फिर दूसरी बात है वल्गर सॉन्ग्स का। आपने मूवी में देखा होगा कि अमर सिंह चमकीला स्टार्टिंग से ही ऐसे वल्गर सॉन्ग्स बनाते थे जो ऑडियंस को पसंद आते थे, ऑडियंस वही चाहती थी, सबके मन में जो बात दबी हुई थी उसे वो खुल के सामने बयां करते थे और लोगों को वही चीज पसंद आती थी। मगर रियल में क्या ऐसा था? दरअसल रियल में ऐसा भी नहीं था, वो अश्लील गाने बनाते जरूर थे मगर उसके साथ साथ में उन्होंने लव रोमांटिक गाने, नॉर्मल गाने, इसके साथ साथ में पॉलिटिकल एजेंडा वाले गाने भी बनाए थे जिसमें वो कास्टिज्म को लेके बहुत सारी बातें करते थे, मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल बातें जिसमें पूरे समाज को आप देख सकते हैं, ऐसे गाने भी उन्होंने बनाए थे। तो सिर्फ मूवी में दिखाया गया है कि वो वल्गर गाने गाते थे, उसके बाद जब उन्हें डर लगा तब उन्होंने धार्मिक गाने गाने शुरू करे, तो ये पूरी बात थोड़ी फिक्शियस है, तो ये बात निकल जाती है फिक्शन। तीसरी बात निकल के आती है, आपने देखा होगा मूवी में उनके एक उस्ताद होते हैं जतिंदर जिंदा, ठीक है, तो रियल लाइफ में भी उनके एक ऐसे उस्ताद थे जिनका नाम थोड़ा अलग था, मूवी में उनका नाम थोड़ा अलग कर दिया है, रियल में उनका नाम है सुरेंद्र सिंधा। अब वो एक अच्छे खासे रिनाउंड आर्टिस्ट होते हैं, चमकीला उनके पास जाते हैं, उनसे सीखते हैं, बाकी जो भी सारी स्टेटमेंट है जैसे दर्शाया गया है वो बिल्कुल रियल है, ये भी बात हो जाती है एकदम रियल, तो ये भी एक फैक्ट निकला। अब बात करते हैं चौथी बात की। चौथी बात है सेकंड मैरिज और कस्टडी इन पंचायत। आपने वो सीन देखा होगा जब अमर सिंह चमकीला पंचायत के सामने पेश आते हैं और उनसे सवाल और जवाब किए जाते हैं कि भाई आपने दूसरी शादी करी है ये गलत है, फिर भी आप इसे सही बताते, तो इसे हम ऐसे डिकोड कर सकते हैं कि रियल लाइफ में जब वो पंचायत के सामने आए होंगे तो जैसा मूवी में दिखाया गया वैसा तो कोई सिनेरियो नहीं होगा। मूवी में सिर्फ उस सीन में अमर सिंह चमकीला की पावर दिखती है, उनकी दिमाग की ताकत दिखती है, कैसे वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, तो यहाँ पे भर भर के फिक्शन के साथ खेला गया है। जरूर मेन मुद्दा जो था वो सेम था मगर दिखाने का तरीका बहुत ज्यादा अलग था, एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में दिखाया गया था, तो ये बात को हम कर देते हैं फिक्शन में, तो ये बात थी फिक्शन। अब आते हैं नंबर 5 पर, फेम मूवी। मूवी में आपको दिखाया गया है कि कैसे अमर सिंह चमकीला रातों रात एक बहुत बड़ी सेंसेशन बन गए जब उनके उस्ताद कनाडा चले जाते हैं और लाइव शो करने के लिए वहां पे कोई आर्टिस्ट नहीं बचता, तब अमर सिंह चमकीला को एक मौका दिया जाता है और उस मौके का वो भरपूर फायदा उठाते हैं क्योंकि लोगों को वो पसंद आते हैं। इससे पहले जैसे मूवी में दिखाया गया था कि वो जिंदा साहब के लिए सिर्फ गाने लिखते थे जो कि लोगों को पसंद आते थे, उसके बाद इस अपॉर्चुनिटी के दौरान ही अमर सिंह चमकीला लोगों पर छा गए। दरअसल ये बात है 1980 की, जो हमारे जिंदा साहब हैं वो कनाडा गए थे शो करने के लिए। अब इस बीच में जिस कंपनी के साथ वो जुड़े हुए थे, जहां पे वो अखाड़े वगैरह करते थे, जो कंपनी वहां पे आर्टिस्ट थे नहीं, उन्हें प्रेजेंट करना था, लोग चाहते थे कि सिंधा साहब जल्द से जल्द आए मगर वो आ नहीं पाए, तो जैसा मूवी में दिखाया गया वैसे ही उस टाइम पे जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने बोला कि भाई चमकीला है ये तो गाने भी लिखता है ये गा लेगा, और जैसे ही उन्होंने अपनी आवाज सुनाई वैसे लोग दीवाने हो गए। उसके बाद चमकीला चमकीला हो गया और रातों रात चमकीला का नाम ऐसा गूंज पड़ा पूरे पंजाब में कि उसके बाद उनका नाम मिटा ही नहीं, तो ये बात भी पूरी की पूरी फैक्ट में जाती है। अब आते हैं नंबर 6 पे, डेथ थ्रेट्स, मतलब मार देने की धमकियां। दरअसल मूवी में जिस हिसाब से दिखाया गया वो बहुत कम है। हम देख सकते हैं मूवी में कि कैसे एक आर्ट और सोसाइटी के बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस हो जाता है कि सोसाइटी आर्ट को खत्म कर देना चाहती है, या फिर मैं कहूं कि आर्ट करने वाले को खत्म कर देना चाहती है। रियल लाइफ में तो ये मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा था,
जिस हिसाब से इम्तियाज अली ने दिखाने की कोशिश करी है वो बहुत अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करी है, मगर असली डर क्या था वो तो रियल चमकीला साहब ही जानते होंगे कि कैसा खौफनाक मंजर रहा होगा। तो जिस हिसाब से प्रिडिक्ट करने की कोशिश की गई है, जिस हिसाब से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई है, काफी हद तक सही है। तो इस बात को भी हम फैक्ट में डाल सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे फैक्ट में जाते हैं। दरअसल इस बारे में जो उनके बैंड के जो मेंबर्स थे उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही चीज बोली कि उन्होंने हमें लॉकर में भर भर के चिट्ठियां दिखाई थी जो टेररिस्ट ग्रुप से आई हुई थी कि अगर तुमने ऐसे गाने गाने बंद नहीं करे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। बस चमकीला साहब कहते हैं ना कि भाई गोली चलाने वालों का काम है गोली चलाना, वो चलाएंगे, मेरा काम है गाना गाना, मैं गाऊंगा ही। तो एट द एंड जाके उन्होंने गाना गाना नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ ये तो आप सभी जानते हैं। तो इस बात को भी हम फैक्ट चेक करके बोल देते हैं कि ये फैक्ट ही था। 6 के बाद आता है 7, और 7 में बात यह है हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग। दरअसल मूवी में यह भी दिखाया गया है कि चमकीला पंजाब के इकलौते ऐसे आर्टिस्ट निकले जिनके रिकॉर्ड्स ब्लैक में भी बिकते थे और सबसे हाईएस्ट सेल होती थी। इनफैक्ट अगर हम पंजाब के उस दशक के बारे में बात करें और एक आर्टिस्ट का नाम हमारे दिमाग में जरूर आता है, वो आता है गुरदास मान साहब का। गुरदास मान साहब भी आज तक वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाए जो अमर सिंह चमकीला के नाम पे लिखा गया है। वो रिकॉर्ड आज तक वैसे ही बरकरार है, और हो भी क्यों ना, उस इंसान को जब लोगों ने इतना ज्यादा पसंद करना चाहा, जब दंगे हो रहे थे तब भी लोगों का इकलौता एंटरटेनमेंट का जरिया था अमर सिंह चमकीला, और बस वहीं से उनकी जर्नी चालू हुई और वहीं पे आके खत्म। तो ये जो बात थी ये भी पूरी पूरी 100% राइट निकलती है, ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद आता है नंबर 8, द चेंज। दरअसल आपने मूवी में देखा होगा कि जब चमकीला को धमकी मिलनी चालू होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इतना ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें मरने से तो ज्यादा डर लगता ही था, उससे ज्यादा डर ये लगता था कि उनकी जो जिंदगी इतनी अच्छी खासी चल रही है वो खत्म हो जाएगी। अपने साथ साथ उन्हें अमरजोत के लिए भी डर लगता था कि उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी और जो उनके साथ में है उन पे भी खतरा मंडरा रहा है। तो वो जाते हैं लीडर्स के पास, वैसे लीडर जो टेररिस्ट ग्रुप के हिस्सा रहते हैं उस टाइम पे, और उनसे माफी मांगते हैं, उनसे वादा करते हैं कि भाई अब से हम ऐसे गाने नहीं गाएंगे, मैं बंद कर दूंगा, मैं धार्मिक संगीत बनाऊंगा, धार्मिक भजन गाऊंगा। जब वो अपने दोस्तों के पास ये बात बोलते हैं तो दोस्त हंस पड़ते हैं कि भाई तू जो अश्लील गाने बनाता है वो धार्मिक गाना बनेगा तो भाई कोई नहीं सुनेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, जब चमकीला साहब ने वो रिकॉर्ड बनाया तो भाई सब ने सुना। आज तक लोग इस बात से हैरान है कि एक चमकीला वो था जो अश्लील गाने बनाता था और उसी ने इतने बड़े बड़े भजन बनाए जो आज तक लोग सुनते हैं। मूवी में भी इसी हिसाब से दिखाया गया है। मूवी में जैसे दिखाया गया है मर जाने के डर से उन्होंने अपने आप को चेंज करा, मगर लोग वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लोग जब भी अखाड़ों में जाते थे वो भजन सुनाने की कोशिश करते थे, सुनाते भी थे, लोग बार बार एक ऐसी दरख्वास्त कर देते थे कि पुराना गाना सुनाओ चमकीले, पुराना गाना सुना, मजा नहीं आ रहा, ये शादी का माहौल है, कोई मातम का माहौल नहीं है, वैसे गाने सुनने। उनके बार बार मना करने के बाद भी वो लोग मानते नहीं थे। पहले तो प्यार से बोलते थे, फिर धमकी देके बोलने लगे, फिर तो मार डालने की धमकी देके बोलने लगे। तभी अमर सिंह चमकीला भी मूवी में बताया गया है और कहते भी हैं कि यहाँ पे मैं फंस गया हूँ। यहाँ पे एक तरह से लोग ये कहते हैं कि गाने नहीं गाएगा तो मार देंगे, एक तरफ से कहते हैं कि गाने अगर गाएगा तो मार देंगे, आप खुद ही फैसला कर लो कि कौन मुझे मारेगा, क्योंकि मरना तो मुझे है ही, तो बेहतर है मैं वो काम करते हुए मरूं जिसमें मेरा मन करता है। तो ये जो दिखाया गया है द चेंज के हिसाब से ये भी परफेक्टली फाइन है और ये भी जाता है हमारे फैक्ट वाले डब्बे में। अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे आपको बात बताई जाए तो मूवी में आपको एक पुलिस ऑफिसर देखने को मिलते हैं, एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जो कहीं ना कहीं पूरी स्टोरी उनके आसपास रिवॉल्व कर रही है, जहां पे जो बैंड मेंबर होता है वो पुलिस ऑफिसर को थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से चमकीला की कहानी सुनाता है उनके मर जाने के बाद, और ऐसे ही स्टोरी आगे बढ़ती है। रियल लाइफ में ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था जहां तक मुझे पता है, और जहां तक पूरे सोर्स बताते हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। वो दिमाग था डायरेक्टर इम्तियाज अली साहब का। उन्होंने बोला कि मैं मूवी को ऐसे डायरेक्ट करूंगा कि मैं थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा जहां पे ये मूवी चल रही, और ये पहली बार नहीं हुआ। आपने मिल्खा सिंह में देखा होगा जब उनके कोच साहब ट्रेन में बैठे बैठे एक तीसरे इंसान को मिल्खा सिंह की कहानी सुना रहे होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे होता है। अक्सर स्टोरी टेलिंग में इस मेथड का यूज किया जाता है जो कि इस मूवी में किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है या सही है, ये सिर्फ अपना अपना तरीका है अपने अपने विजन को ऑडियंस के सामने रखने का। तो उस हिसाब से भी ये जो पुलिस ऑफिसर वाला पंगा है या फिर पुलिस ऑफिसर वाला जो मैटर है ये चला जाता है फिक्शियस बॉक्स में, मतलब ये है फिक्शन। उसके बाद आते हैं नंबर 10 पे, चमकीला द एक्टर। आपने देखा होगा मूवी में कैसे चमकीला के पास एक रोल का अपॉर्चुनिटी आती है। उनके जो वहां पे चेले होते हैं वो उनसे कहते हैं कि एक प्रोड्यूसर आया था, मैंने भगा दिया, हमने कहा यहाँ पे तो डेट्स मिलने नहीं है, तुम्हारी मूवी कहाँ से करेंगे। चमकीला बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि उनको बुला ले, कल मिलूंगा मैं उससे। दरअसल बचपन से ही मैं एक्टर बनना चाहता था, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं भी, वगैरह हर पंजाबी बनना चाहता, मगर उनके अंदर कहीं ना कहीं वो एक्टर बनने की भावना बहुत ज्यादा थी।
वो बचपन से ही कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन को आइडियलाइज करते थे, उनसे इन्फ्लुएंस थे बहुत ज्यादा। क्योंकि आपने देखा होगा जब वो कनाडा जाते हैं या फिर बाहर शो करने जाते हैं तो वहां पे अमिताभ बच्चन की फोटो होती है, जिससे देख बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन से मिल सकता हूँ। 2-3 बार उन्होंने अमिताभ बच्चन का जिक्र करा है वहां पे, तो इससे देखा जा सकता है। और वैसे ही बचपन में एक्टिंग में उनको बहुत ज्यादा रुचि थी, तो उन्होंने बचपन में ही थिएटर ज्वाइन कर लिया था। तो जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो करते हैं। फिल्म थी पटोला। दरअसल ये जो पूरी मूवी रिलीज हुई थी, ये रिलीज तो हुई थी चमकीला की मौत के बाद, तो चमकीला कभी अपने आप को बड़े पर्दे पे नहीं देख पाए, मगर जो उनके चाहने वाले हैं उन्होंने जरूर देखा था। तो ये पूरी बात थी चमकीला द एक्टर की। चमकीला द एक्टर एक पूरी की पूरी रियल फैक्ट है, तो इसे भी हम फैक्ट में डालेंगे। ये पूरी जो बात थी फैक्ट और फिक्शन की, यहाँ पे यही खत्म होती। अगर आपने अभी तक वो मूवी नहीं देखी है तो मूवी देखना, मूवी देख के आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। जैसे मुझे पहले चमकीला के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर मूवी देखने के बाद मैं उनके गाने सुनने लगा, उनके बारे में और ज्यादा पता लगने लगा, और मूवी देखते देखते पता लगने लगा कि एक आर्टिस्ट जब सोसाइटी से लड़ता है तो वो सिर्फ अपने आर्ट के लिए लड़ रहा है, मगर एक सोसाइटी सिर्फ अपने धर्म अपने उसूलों के लिए नहीं, वो बहुत सारी सेल्फिश रीजंस की वजह से भी एक आर्टिस्ट से लड़ती। मूवी अगर आप देखेंगे तो आपका थोड़ा नजरिया बदलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बस इतनी थी ये वीडियो, मैं लेता हूँ आपसे विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिन्होंने मूवी देख ली है, और उन दोस्तों के साथ भी जिन्होंने नहीं देखी है, जिन्हें आप चाहते हैं कि वो देखें। अगर कुछ भी वीडियो में समझ में नहीं आया हो या कुछ भी बताना हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसा कॉन्टेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत जल्दी